महेश्वर तहसील मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर आशापुर गांव में विराजित है माँ आशापुरी का दरबार, भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। माँ आशापुरी स्वयंभू होकर मंदिर का इतिहास पौराणिक होकर किंवदंती अनुसार पांडव पुत्र अर्जुन ने विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों में तपस्या कर इस स्थान पर माताजी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया था। यहाँ मांडव के राजा आला उदल ने भी माँ की तपस्या की थी। ओंकारेश्वर के राजा मानधाता माँ आशापुरी को कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। उनके वंशज वर्तमान में भी माताजी को कुलदेवी के रूप में पूजते आते हैं। महेश्वर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। चलो आपको मिलाते हैं मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष अरुण जी, वो आपको यहाँ के मंदिर की विशेषताएँ समझाएँ, क्या क्या मंदिर में कार्यक्रम होते हैं, 9 दिन तक कैसे यहाँ पे कार्यक्रम किए गए हैं, ये जानकारी ट्रस्ट अध्यक्ष दे रहे हैं। माँ आशापुरी का दरबार महाभारत कालीन होकर पांडव कालीन है, जिसमें पांडव अज्ञातवास पर थे तब उन्होंने यहाँ पर तप किया था। कितवन के अनुसार अलाउद्दीन ने भी यहाँ पर तप किया था, चूँकि माता जी 28 बैठे की कुलदेवी के रूप में पूजन किया जाता है माता जी का। यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ गुजरात, कुछ जिलों से यहाँ पर दर्शनार्थी और माता जी के कुलदेवी के रूप में लोग आते हैं। यहाँ प्रतिदिन कितने भक्त आते हैं? यहाँ माँ के दरबार में नवरात्रा में प्रतिदिन कम से कम 5 से 7 हज़ार दल भक्त आते हैं। विशेष रूप से माँ आशापुरी के दरबार में प्रति मंगलवार महाआरती होती है, तो प्रति वर्ष नवरात्रा के उत्सव पर विशेष महाआरती का आयोजन होता है। इस विशेष महाआरती में 10 से 15 हज़ार के जो भक्त हैं शाम 5 बजे आरती पर आते हैं। और यहाँ पर और क्या क्या विशेषताएँ अपने ट्रस्ट की ओर से रखी गई है? मंदिर समिति की ओर से यहाँ पर सभी भक्त श्रद्धालु भक्तों के लिए रहने के लिए व्यवस्था है, साथ ही श्रद्धालु भक्तों के लिए सतत 9 दिन तक खिचड़ी प्रसादी का वितरण किया जाता है। और आसपास के जो रास्ते हैं वहाँ पर भी अलग अलग, जैसे हमारे ग्राम कोहली के भक्तों द्वारा गन्ना रस पिलाया जाता है, मुर्दा के लोगों के द्वारा खिचड़ी है, साथ ही व्यापारी संघ के द्वारा नींबू रस और अन्य परिवार की ओर से चाय वगैरह की व्यवस्था भी यहाँ पर मंदिर समिति द्वारा की जाती है। मंदिर निर्माण में और क्या क्या कितना खर्चा है? माँ आशापुरी का दरबार चूँकि पांडवकालीन होकर 800 वर्ष पूर्व छिड़ाने के अनुसार जीर्णोद्धार हुआ था, उसके बाद 2012 में मुनि बाबा के सानिध्य में वापस पूर्ण जीर्णोद्धार शुरू कर 2014 में पूर्ण किया गया। इस मंदिर में अभी तक श्रद्धालुओं के द्वारा सभी धर्मशालाएँ एक साथ मंदिर सही तरीके की ओर से ऊपर लागत से मंदिर निर्माण हुआ है, जो आज भूमि देख रहे हैं आप सभी श्रद्धालु भक्तों के दान और सहयोग से पूर्ण हुआ है। पीछे जो एक गार्डन भी बना है उसमें कितना खर्चा है? गार्डन का खर्चा तो करीब 5-6 लाख रुपये। हमारे गार्डन के पीछे एक ही उद्देश्य है कि हिंदू संस्कृति धर्म की रक्षा के लिए आज लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मंदिरों से दूर होते जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि लोग मंदिरों से जुड़े और साथ ही पिकनिक इसलिए गार्डन बनाया है कि बच्चों के लिए थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए, तो लोगों को धर्म के साथ साथ मनोरंजन भी हम देख पाएँ और लोग धर्म को और मंदिर को समझने के लिए छोटे छोटे बच्चों को मंदिर में जाना सिखा दें, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा पीछे गार्डन को डेवलप किया है। आपका नाम? तिलोक यादव। यहाँ मंदिर में आप? चूँकि हमारे मंदिर में समिति जरूर है पर हमारे मंदिर में कोई अध्यक्ष नहीं है, हमारी माई हमारे अध्यक्ष है, हमारे सभी कार्यकर्ता अपने अपने अध्यक्ष हैं, अपने अपने सदस्य हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।